जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, दिवाली पर माँ लक्ष्मी को क्यों चढ़ाया जाता है खील बताशे? आपके भी मन में ये सवाल आता होगा, आखिर कौन सा ग्रह इससे अनुकूल होता है और क्यों है ये इतना शुभ प्रसाद से भी? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि केवल काम करना ही जरूरी नहीं है, उसको समझना भी जरूरी है और ये पूर्णतः आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये प्रसाद खास है। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जरूर आपको चढ़ाना चाहिए। और क्यों चढ़ाना चाहिए ये इस वीडियो के अंत तक में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं। तो शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट में जरूर लिखिए माता रानी का नाम, जय माँ लक्ष्मी, क्योंकि माँ का नाम लिखने में कोई बुराई है नहीं। तो जय माँ लक्ष्मी कमेंट में जरूर लिखिए। आइए जानते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। माँ लक्ष्मी को दीपावली पर खील बताशे का प्रसाद जरूर चढ़ाया जाता है। दिवाली पर लोग पूजन सामग्री में खील बताशे जरूर खरीदते हैं। लक्ष्मी पूजा में खील बताशे अवश्य रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा खील बताशों से ही क्यों की जाती है? जी हाँ, ये सवाल आपके मन में आता होगा, क्यों चढ़ाते हैं आखिर खील बताशे का प्रसाद? तो खील यानी कि धान, मूलतः धान यानी कि चावल का ही एक रूप है। खील चावल से बनती है और चावल उत्तर भारत का प्रमुख अन्न है। जी हाँ, वैसे तो लक्ष्मी देवी को बेसन के लड्डू और भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। दीपावली के पहले ही इसकी फसल तैयार होती है, इस कारण से लक्ष्मी जी को फसल के पहले भोग के रूप में खील बताशे चढ़ाए जाते हैं। खील बताशों का ज्योतिषीय महत्व भी होता है। दीपावली धन और वैभव की प्राप्ति का त्योहार है और धन वैभव का दाता शुक्र ग्रह माना गया है। शुक्र ग्रह का प्रमुख धान्य धान ही होता है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए हम लक्ष्मी जी को खील बताशे का प्रसाद चढ़ाते हैं। श्वेत और मीठी सामग्री जितनी होती है, ये दोनों ही शुक्र की ही कारक होती हैं। इसीलिए इन दोनों को मिलाकर के वास्तव में शुक्र ग्रह को ही अनुकूल किया जाता है, अपने पक्ष में लाया जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके भी शुक्र को अपने अनुसार किया जा सकता है। दीप पर्व पर संभवतः यही कारण है कि खील बताशे आप चढ़ाते हैं माँ लक्ष्मी को, और जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि अगर शुक्र प्रसन्न होते हैं, शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं, तो समझिए आपका काम बन गया, क्योंकि ये धन और वैभव देते हैं। वैभव कब आएगा? जब आपके पास धन होगा। तो जब वैभव आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास धन है। तो इसीलिए जब आप लक्ष्मी जी की पूजा खील बताशे चढ़ा करके करते हैं, तो इससे यह हो जाता है कि स्वतः ही शुक्र ग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि एक पंथ से दो काज आपके हो जाते हैं और जीवन आपका सफल होने लग जाता है। तो ये आज की वीडियो रही आपके लिए। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ आप सभी वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी, मुझे बहुत खुशी होगी। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। हर हर महादेव।